ये एक ऑर्गेनिक सेक्टर है, अभी हो रहे हैं और बहुत लोग अभी ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, केमिकल वो लोग छोड़ रहे हैं, मतलब फुल्ली ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते लेकिन केमिकल फ्री बोल सकते हैं। और उसके लिए सर्टिफिकेशन भी अभी कोशिश जारी हो रहा है, खुद पत्ता तोड़ते हैं और खुद पौधे उगाते भी हैं, चाय का मेंटेनेंस सब कुछ हम लोग खुद ही करते हैं। और हम लोग का अभी लेबर का भी थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए थोड़ा कोई कोई लोग मैकेनाइज भी कर रहे हैं, जैसे प्लकिंग के लिए अभी मैकेनाइज हो रहा है। और हम लोग ज़्यादातर बोटली फैक्ट्री जहाँ नियर बाई जो सिटी से बनाते हैं उसमें भेजते हैं, और बहुत कम, लगभग शायद 10% से कम लोग अभी खुद चाय बना रहे हैं, जो हाथ से बना रहे हैं। स्पेशलिटी जो बोलते हैं वो ग्रीन टी भी हो सकता है, ब्लैक टी हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स, कोई कोई लोग वाइट टी भी बना रहे हैं, मतलब बहुत स्लोली इट इज़ ग्रोइंग और आगे पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग का एक मतलब कंसोर्टियम से होके एक 160 है ना, कितना है टोटल 166 जो फार्मर्स लोग मतलब मिल के एक यहाँ में फैक्ट्री कर रहे हैं अभी, तो उसमें ज़्यादा तो सी टी सी पार्ट ही बनेंगे और उसमें पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें शामिल है। और जैसे बड़ा फैक्ट्री लोग होता है ऐसे ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इज एन एक्सपोर्टर एंड आई गॉट द टी बोर्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस एज वेल। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट मार्केट भी हम करने की कोशिश करें। तो यहाँ में मिडलमैन हम ही हैं, किसान भी हम हैं, बनाने वाले भी हम ही हैं, तो इट्स अंडर वन रूफ, सब कुछ एक ही साथ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको बायर ढूंढने की जाने की भी ज़रूरत नहीं, बायर खुद यहाँ पे चल के आएंगे, तो हम लोगों का बर्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। और असम का चाय का जो नाम है अभी हम लोग खुद आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कल्टिवेशन में आ रहे हैं, केमिकल फ्री हो रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फाउंडेशन का हम लोग मेंबर हो चुके हैं, तो ऊपर हम लोग यहाँ में आके मतलब वॉलंटरी काम करते हैं, तो उससे भी एक्सपोजर हमको भी मिल रहा है। और दुनिया भर से अलग अलग देश से लोग मतलब एज ए ऑर्गेनिक कल्टिवेटर वो लोग हम लोग के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सचेंज होता है और हम लोग को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। एट ए मास लेवल यही मेन एस्पेक्ट हो सकता है इन कमिंग डेज, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हम लोग टी स्मॉल टी ग्रोअर्स जो है कि सब विलेज रिमोट एरिया से हैं, जितने भी है, और रिमोट एरिया से जो भी है वहाँ का, यहाँ का ट्रेडिशन अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस है। जब कोई भी टी टूरिज्म यहाँ पे डेवलप किया जाए, हम लोग जो डेवलप करें कोई भी टी टूरिज्म के लिए हम लोग ये सोचेंगे, तो यही होगा कि कोई भी आते हैं तो यहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर के साथ वो लोग पूरा मतलब अपडेट हो सकेंगे, कैसा है क्या है टूरिज्म के हिसाब से वो लोग देखने, हमेशा टूरिज्म के उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई ट्रेडिशन का ये देखे, कोई अंदर की मतलब रिमोट एरियाज़ को देखे, उस हिसाब से मतलब ये थोड़ा आपको अलग एरिया लग गया, कोई दूसरा जगह जाएंगे वहाँ पे कम्प्लीटली अलग ट्रेडिशन होगा। एक ऐसा प्लान है, हम लोग जैसे ही फैक्ट्री को कम्प्लीट करें उसके बाद हम लोग का एक एंगल ये सोच के रखा है कि हम लोग का मैक्सिमम हम लोग सोचेंगे कि ऑक्शन में जाए, हम लोग कितना सक्सेस होंगे वो टाइम टू टाइम बता पाएंगे, लेकिन आज के डेट पे वही है कि हम लोग अगर यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से इसको डेवलप किया जाए, कोई गेस्ट हाउस वगैरह बनाया जाए यहाँ का जो लोकल उस एरिया में, हम लोग उनको उस तरीके से हम लोग प्रमोट करें, उसके बाद फैक्ट्रीज का यहाँ पे जो कैसे लोकल में स्मॉल ग्रोअर्स का जो चाय बनता है जो एकदम फ्रेश, मतलब वहाँ पे आके खुद देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कैसे स्मॉल ग्रोअर्स कैसे करते हैं, खुद से करते हैं जो फार्मर्स मिलके, वो जाके हम लोग उन लोग को कैसे दिखा सके, उस हिसाब से टाइम वो हम लोग कोशिश करेंगे।